गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम पढ़ रहे थे जो हमारे वेजिटेबल के पेस्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सारे पेस्ट पढ़ लिए थे, अभी कुछ ही पाँच चार पेस्ट बचे हुए हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे थ्रिप्स के बारे में, ठीक है। आपके वेजिटेबल्स के अंदर जो भी थ्रिप्स लगती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज चिली थ्रिप्स, ठीक है। चिली थ्रिप्स यानी कि मिर्च की जो क्रॉप होती है, मिर्च की क्रॉप में जो लगने वाला थ्रिप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थ्रिप्स की फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके साइंटिफिक नेम की, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है स्केल्टोथ्रिप्स डॉर्सेलिस, स्केल्टोथ्रिप्स डॉर्सेलिस। फैमिली की अगर इसकी बात करें तो फैमिली है इसकी थ्रीपीडी, थ्रीपीडी फैमिली है। ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर जो इसका है वो है थाइसेनोप्टेरा। थ्रिप्स जितने भी होंगे सारे किसके अंदर आएंगे, थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और फैमिली उसकी थ्रीपीडी। तो अब थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर की बात करेंगे, ये शायद हमने थ्रिप्स का पहले नहीं पढ़ा है कोई भी पेस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर जो होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसका मतलब क्या होगा, लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होगी, ठीक है। अब चार स्टेज होगी, अब बात करते हैं इसके डैमेजिंग स्टेज की, ठीक है। तो डैमेज करने वाली इसकी जो अवस्था होती है वो होती है निम्फ एंड एडल्ट दोनों, यानी कि निम्फ प्लस एडल्ट दोनों ही जो है वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं इसके अंदर, ठीक है। निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके बाद बात करें जो इसके माउथ पार्ट्स की, इसके माउथ पार्ट्स की एक विशेषता क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये जो सकिंग टाइप के पेस्ट सॉरी माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सकिंग रेस्पिंग एंड सकिंग होते हैं, यानी कि खरोंच के ये क्या करते हैं, उसको खाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके माउथ पार्ट्स की एक विशेषता होती है, ठीक है, माउथ पार्ट्स की इसकी एक विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसके माउथ पार्ट कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब आप कहोगे सर एसिमेट्रिकल का मतलब, तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि असममित इसको बोलते हैं या फिर इसको बोल देते हैं असमान। अब असमान का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने अब तक जितने भी माउथ पार्ट्स पढ़े हैं उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी है कि माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इक्वल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, अब उसके हम माउथ पार्ट्स की बात करें, ठीक है, माउथ पार्ट्स की मतलब इस साइड जो चीज़ होगी वो सेम चीज़ इस साइड होगी, यहाँ एक मैंडिबल है तो यहाँ भी होगा, एंटीना जो होगी, यानी कि सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, इक्वल होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें इधर होगी उतनी इधर, लेकिन इसके सिलसिले में यानी कि स्पेशली इस केस में क्या होता है कि इसका जो राइट मैंडिबल जो होता है, ठीक है, राइट मैंडिबल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। थ्रिप्स के अंदर क्या होता है, राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, इस वजह से क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब भी ये फीड करेंगे लीफ के ऊपर या उसका जो है शेप सक करेंगे तो उसमें क्या, लीफ की जो शेप होती है वो अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है, डी शेप्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले ये हो गया, अब इसके बाद हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम फैमिली ऑर्डर हो गया, अब हम बात करेंगे इसके, सबसे पहले अगर मैं आपको होस्ट की बात करूं, ठीक है, कि होस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, होस्ट, तो होस्ट प्लांट्स की बात करें तो होस्ट प्लांट, अब मेनली हम चिली के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये मेजर जो है वो चिली के अंदर डैमेज करता है। लेकिन अगर और बात करें तो ये मूंगफली के अंदर, चिली के अंदर, इसके अलावा और भी आपके जो कुकुरबिटेसिस वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी ये क्या है, नुकसान करता है, ठीक है। लेकिन चिली के अंदर क्या खास बात है इसकी, कि चिली के अंदर ये एक वायरस को स्प्रेड करता है, चिली के अंदर ये क्या करता है, मेनली चिली की बात करें तो इसके अंदर ये क्या है, एक लीफ कर्ल डिजीज होता है चिली के अंदर, ठीक है।
अब ये लीफ कर्ल फैलाने वाला जो वायरस होता है, वायरल डिजीज़ है, यानी कि वो वायरस जो इस लीफ कर्ल डैमेज का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, जो चिली थ्रिप्स है ये एज ए वेक्टर काम करता है। क्या करता है ये, एज ए वेक्टर काम करता है, यानी कि इसका वाहक होता है इस रोग को फैलाने में, इस वायरस को इस क्रॉप तक या चिली तक ले जाने में मदद जो करता है वो ये करता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की। ठीक है, नेचर ऑफ डैमेज की, तो इसकी खास बात क्या, सबसे पहले हम एगलिंग से स्टार्ट करेंगे। तो एगलिंग जो होती है इसकी, वो होती है लीफ की जो सेल्स होती है, ठीक है, पत्ती की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर एगलिंग की जाती है। बाकी ये हम जब अपने एग्स पढ़ेंगे भैया लाइफ साइकिल, उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो लीफ सेल्स, अब यहाँ से क्या है, जो निम्फ निकलेंगे, ठीक है, इसके अभी मैंने आपको बताया डैमेजिंग स्टेज कौन कौन सी होती है, निम्फ और एडल्ट दोनों, ठीक है, निम्फ प्लस एडल्ट दोनों ही क्या नुकसान पहुँचाते हैं। ये क्या करते हैं, पत्ती जो मान लीजिए ये लीफ है कोई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लीफ को स्क्रैपिंग करने का काम करते हैं। अब स्क्रैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से उसको खरोंच खरोंच की पत्ती को ऐसे फीड करेंगे, तो इससे क्या होगा, वाइट कलर की क्या है, स्ट्रिप्स बन जाती है, यानी कि सफ़ेद रंग की पत्ती के ऊपर आपको धारियाँ नज़र आती है, इस प्रकार से सफ़ेद धारियाँ जो है वो नज़र आएगी लीफ के ऊपर। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम होता है, ये इसका ही होता है जो थ्रिप्स है। अब क्या करेंगे, ये इसको खरोंच के, और प्लस क्या है, ये उसके अंदर जो भी लीफ का जो जूसी कंटेंट जो है उसको शक करते हैं, ठीक है, यानी जो भी जूस वाला पार्ट है उसको शक करते हैं। इससे क्या होगा, लीफ जो है वो डी शेप्ड हो जाती है। डी शेप्ड होने का मतलब, अगर ये उसकी नॉर्मल शेप है तो ये इस शेप से बदल जाती है, और इससे क्या होता है, कर्लिंग होती है। मेन जो थ्रिप्स से क्या होता है, कर्लिंग होती है। कर्लिंग होने का मतलब क्या है, लीफ जो है वो मुड़ जाती है। कर्लिंग का मतलब क्या होता है, मुड़ना। अब थ्रिप्स की वजह से क्या होता है कि जो लोअर साइड में ये लीफ क्या होती है, लोअर साइड में यानी कि नीचे की तरफ क्या है, मुड़ जाती है। मुड़ने से क्या होगा, कर्लिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके क्या है, डैमेजिंग जो सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब दोनों ही नुकसान पहुंचाएंगे, निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज में। तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो लीफ पे, इसके बाद क्या है, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, या फिर स्टेम हो गया, ठीक है, या फिर अदर जो ब्रांचेज होगी, सभी स्थानों से ये क्या करते हैं जो है वो सेप शक करते हैं। ठीक है, प्लस मैंने अभी आपको बताया इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, सफ़ेद रंग की क्या होगी, स्ट्रिप्स बन जाएगी, धारियाँ बन जाएगी, और पत्तियाँ क्या है, डी शेप्ड हो जाएगी, और बाद में धीरे धीरे येलोविंग होने लग जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, और उपज में क्या होता है, बारिश से नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज या डैमेजिंग सिम्टम, कैसे ये जो है वो नुकसान पहुँचाता है। अब इसकी बात करें टाइम पीरियड की, तो ये मोस्टली क्या है, पूरे ईयर है ना, होल ईयर, यानी पूरे साल क्या है इसका डैमेज लगभग होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जो ड्राई स्पेल जो होता है ना, जब सूखा पड़ता है, ड्राई स्पेल जब होता है, सूखा पड़ता है, उस कंडीशन में इसका जो है वो डैमेज बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। ठीक है, कि लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की बात करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ क्या है, एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर क्या होती है, फोर स्टेजेस होती है। अब वो स्टेज कौन कौन सी होती है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट होती है एग स्टेज, ठीक है ना, एग स्टेज होती है। अब एग स्टेज होगी, अब इसमें अभी हमने आपको बताया कि एगलिंग कहाँ होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि लीफ की जो सेल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर इसके क्या होते हैं, एगलिंग की जाती है फीमेल के द्वारा। ठीक है, एगलिंग की जाती है। इसकी एगलिंग की खास बात क्या है, कि ये एगलिंग करती है पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोजेनेसिस से। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या है, सबको पता होगा, अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के जो है ये अंडे देती है, अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के ये अंडे देती है। ठीक है, और अंडे कहाँ दिए जाते हैं, जो लीफ सेल्स होती है उनके अंदर। अब एक फीमेल जो होती है वो 4 to 6 एग्स जो है
वो पर डे देती है, यानी कि प्रत्येक दिन एक जो फीमेल है वो 4 से 6 तक अंडे देती है, और एक फीमेल जो है अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर 50 to 60 एग्स जो है वो देती है, ठीक है, यानी कि 50 से 60 एग्स जो है उसके द्वारा अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें और, तो इसके शेप की एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, किडनी शेप्ड, यानी एग्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, किडनी जो होती है तो इस शेप के होते हैं, किडनी शेप्ड एग्स होते हैं इसके, ठीक है। 4 से 6 जो एग्स है वो एक फीमेल के द्वारा पर डे दिए जाते हैं, और पूरे लाइफ साइकिल के अंदर लगभग 50 से 60 एग्स दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे निम्फ की, सेकेंड जो स्टेज है, ठीक है, निम्फ की। तो निम्फ जो होते हैं इसमें, अब इससे एगलिंग के बाद जो निम्फ हैच होके जो निम्फ बाहर आते हैं, ठीक है, ये क्या है, काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, प्लस क्या है, इनका अगर हम बात करें लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा होता है, लगभग 4 से 6 दिन का होता है, माइन्यूट होते हैं यानी कि बहुत छोटे होते हैं, और अगर बात करें इनकी टोटल लाइफ साइकिल की तो ये 4 to 6 डेज होते हैं लगभग, है ना। 4 से 6 दिन के अंदर अंदर इनके अंदर क्या होती है, 2 बार मोल्टिंग होती है, 2 मोल्टिंग्स, 2 मोल्टिंग होती है, 2 मोल्टिंग होने के बाद क्या है, ये किस में बदल जाते हैं, प्यूपा में बदल जाते हैं, ठीक है। और प्यूपा की अगर बात करें कहाँ बनता है, ये चलो नेक्स्ट स्टेज की बात है, इसकी बात करें तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, प्लस बात करें ये क्या होते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं, ठीक है, अपने एडल्ट की बजाय जो निम्फ है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि ज़्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें लाइफ साइकिल का, मैंने आपको बता दिया 4 से 6 स्टेज होती है, इसके बाद अगर बात करें हम जो 2 मोल्टिंग होने के बाद थर्ड जो स्टेज आती है प्यूपा, ठीक है। अब ये जो प्यूपा अवस्था है ये कहाँ बनती है, जो लीफ होती है ना, लीव्स जो होती है उनके लोअर साइड पे और बेस, यानी कि जहाँ से लीफ जुड़ी होती है उस बेस वाले पार्ट से, या फिर बात करें फ्लावर्स के बेस, फ्लावर्स जो होते हैं उसकी जो आउटर पार्ट जो होता है, यानी कि उसको शायद कैलेक्स बोलते हैं ना, कैलेक्स वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे, कैलेक्स, तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी ये जो स्टेज है वो किस में बदलती है, प्यूपा में बदलती है, ठीक है। बाकी प्यूपा की कुछ ऐसी इतनी ज़्यादा विशेषता है नहीं, क्योंकि प्यूपा ये क्या होती है, क्यूसेंस होती है, यानी कि क्या है, एक बिना कोई एक्टिविटी, इनएक्टिव स्टेज होती है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अगर हम इसको, इसके प्यूपा जो होता है उसको थोड़ा सा टच करके देखते हैं तो हल्की सी मूवमेंट ज़रूर होती है, लेकिन वैसे इसका नुकसान कुछ नहीं होता, ये कुछ समय की होती है, थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, लगभग 3 से 5 दिन की होती है ये अवस्था, 3 to 5 डेज। इसके बाद क्या होता है, जो ये प्यूपा जो होता है वो इस जो बाहर का जो खोल होता है प्यूपा का, आउटर जो उसके ऊपर कवरिंग जो होती है उसको तोड़ के उसके अंदर से क्या है, एडल्ट बाहर निकलता है। तो हम बात करेंगे एडल्ट के बारे में, एडल्ट के बारे में, यानी कि एडल्ट को अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, प्रौढ़ बोलते हैं। ये क्या है, ब्लैक किस कलर का होता है, या तो होगा ब्लैक कलर का या फिर येलो कलर का, ठीक है, ब्लैक या फिर येलो कलर का होता है, दोनों में से किसी एक रंग का होगा। अब ये क्या करता है, जो मुड़ी हुई पत्तियाँ जो होती है, ठीक है, जो कर्ल्ड लीफ जो होती है, ठीक है, यानी कि जो पत्तियाँ मुड़ गई है उन मुड़ी हुई पत्तियों के बीच में रहता है, या फिर जो फ्लावर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से ये क्या है, फ्लाई करते हुए इधर से उधर क्या है, लीफ के ऊपर उसको फीड करते रहते हैं। माउथ पार्ट्स का मैंने आपको बताया एसिमेट्रिकल होते हैं, तो ये क्या है, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की क्या कर देते हैं, एक संरचना बना देते हैं, यानी कि लाइनिंग्स आपको नज़र आती है वाइट कलर की, ठीक, और मुड़ी हुई पत्तियों के पास रहते हैं और धीरे धीरे इसको फिट करते हैं। बाकी डैमेज जो होता है इसका वो सेम होता है, ऐसे ही प्यूपा नुकसान पहुंचाता है और ऐसे ही जो है वो क्या है, एडल्ट नुकसान पहुंचाता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये जब फुली ग्रो हो जाता है उस टाइम इसका साइज़ जो है लगभग 10 mm के आसपास होता है, यानी कि 10 mm के आसपास जो है इसका वो साइज होता है।
ठीक है। तो ये है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें, नॉर्मल सा है लाइफ साइकिल भी इसका, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है इसका जो है वो डैमेज है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें लाइफ साइकिल की, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कितने टाइम की कौन सी अवस्था होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग की, फिर एग के बाद निम्फ, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। ठीक है, चार स्टेज हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल लाइफ साइकिल की इसकी, तो टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है इसका 20 to 25 days का। ठीक है, यानी कि 20 से 25 दिन का जो है वो टोटल लाइफ साइकिल इसका होता है। अगर हम इनकी बात करें एक एक की, तो लगभग 7 से 8 दिन की लगभग ये अवस्था होती है। ये टाइम पीरियड चेंज होता रहता है मौसम के हिसाब से। अभी मैंने आपको बताया जब ड्राई स्पेल होता है तो इनका या टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय इनका लाइफ साइकिल भी जल्दी जल्दी पूरा होता है। और अगर विंटर सीजन की बात करें या मौसम में जो है ठंड अगर ज़्यादा है उस कंडीशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ये लगभग 4 to 6 days की अवस्था होती है, यानी कि 4 से 6 दिन बाद में क्या होता है, नीम्फ से क्या होता है वो प्यूपा में बदलता है, फिर 7 से 8 दिन बाद वो क्या है इससे प्यूपा से एडल्ट में बदल जाता है, 7 to 8 days के बाद। और लगभग 1 से 2 दिन में क्या होता है, जो एडल्ट फीमेल जो होती है वो एगलिंग स्टार्ट कर देती है। और एगलिंग का मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस से होता है, यानी कि जो है अनिषेक जनन पाया जाता है बिना निषेचन के ही। ये क्या है, लिप्स के अंदर उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर ये एगलिंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरेशन की बात करें अगर, तो इसकी 1 साल के अंदर बहुत सारी जनरेशन होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे ईयर साल भर क्या है इसकी जो है जनरेशन चलती रहती है। और एक खास बात क्या है, इसकी ओवरलैपिंग जनरेशन होती है। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या, एक जनरेशन पूरी हुई नहीं कि उससे पहले ही दूसरी जनरेशन जो है वो डैमेज स्टार्ट कर देती है। ओवरलैपिंग यानी कि साल भर इसका जो है डैमेज वो कम्प्लीटली क्या है चलता रहता है। अब हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली है, वो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटी जो होती है, रेजिस्टेंट वैरायटी जो होती है वो लगानी चाहिए। ठीक है, तो चिली की अगर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की बात करें या जिनके अंदर जो है ये जो वो डैमेज इसका नहीं होता इस पेस्ट का उसकी बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक तो होती है G5। ठीक है, G5, इसके अलावा है K2। ठीक है, ऐसी इसके अलावा और भी है, जैसे MP है, एक MP46। तो इस प्रकार से क्या है, प्रतिरोधी जातियाँ लगानी चाहिए जिनके अंदर इसका डैमेज जो है वो होता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसको क्या है, एक तो सोरगम के बाद कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सोरगम की जो क्रॉप होती है उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसको नहीं लगाना चाहिए। प्लस क्या है, चिली जो है उसको कभी भी टोमेटो के साथ, है ना, टोमेटो प्लस चिली इनको एक साथ कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी इसका बहुत सारा डैमेज होता है, तो इनको कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ केमिकल्स का, अगर हम बात करें जिनको स्प्रे करके इसको जो हम वो बचा सकते हैं, तो सबसे पहले है 5% कार्बरील डस्ट जो होती है, कार्बरील डस्ट जो होती है 5%, उसकी 25 किलोग्राम मात्रा जो है पर हेक्टर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको बुरकाव करते हैं, यानी कि फसल के ऊपर छिड़कते हैं पाउडर फॉर्म में। इसके बाद क्या है, कुछ केमिकल्स हैं जिनकी हम स्प्रे करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले है इमिडाक्लोप्रिड, ये नियोनिकोटिनाइड्स यानी कि नेवर ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड है, इमिडाक्लोप्रिड 75 WP वेटेबल पाउडर होता है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं 500 से
1000 ग्राम जो है इसकी मात्रा जो है वो स्प्रे करने के लिए यूज लेते हैं। फर्स्ट हो गया इमिडाक्लोप्रिड, सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है स्पाइनोसेड। स्पाइनोसेड या फिर मिथोमिल। मिथोमिल जो है इनको क्या है यूज लेते हैं, अगर इनके कंसंट्रेशन की बात करें तो ये होता है 45 SP, और सेकेंड जो होता है वो होता है 40। ठीक है, सोल्यूबल पाउडर होता है, ये भी क्या है सोल्यूबल पाउडर होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सॉरी सोल्यूबल कंसंट्रेशन, सोल्यूबल कंसंट्रेशन होता है SC। ठीक है, इनको यूज लेते हैं। अगर इनकी मात्रा की बात करें तो दोनों की क्या है लगभग 1000 ml मात्रा जो है वो हम काम में लेते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या है आपका थ्रिप्स था, किसके अंदर लगता है, जो चिली के अंदर जो थ्रिप्स लगता है। ठीक है, नॉर्मल सी एक ध्यान रखने वाली बात, क्या डैमेज इसका इतना कुछ खास नहीं है ना ही लाइफ साइकिल सिंपल सा है बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें इसमें ध्यान रखने वाली, तो इसका इससे शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हो सकता है आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए, क्योंकि थ्रिप्स की फैमिली ऑर्डर तो सेम होती है लेकिन बाकी क्या होता है इसके अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक नेम के अंदर चेंज होता है स्पीसीज के हिसाब से। या फिर आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि ये वाला जो थ्रिप्स है आपको हो सकता है साइंटिफिक नेम दे दें, या आपसे पूछ लिया जाए कि चिली थ्रिप्स जो है वो कौन से जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है, या कौन सी डिजीज़ के लिए एज ए वेक्टर काम करता है, तो वो कौन सी होगी, जो चिली का लीफ कर्ल जो वायरस है। ठीक है, चिली का लीफ कर्ल जो वायरस है उसको फैलाने के लिए ये क्या करती है, उसमें मदद करती है। ओके भाई, नेक्स्ट अभी ये क्या हम पढ़ रहे थे जो चिली थ्रिप्स के बारे में है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक थ्रिप्स और है जो आपके सिलेबस में है, उसको आप ओनियन थ्रिप्स भी बोल सकते हैं, ओनियन या गार्लिक। ठीक है, ओनियन या गार्लिक थ्रिप्स बोलते हैं इसको, यानी कि मेनली प्याज और लहसुन की जो फसल होती है उसके अंदर इसका डैमेज होता है। बाकी अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, थ्रिप्स है तो लगभग डैमेजिंग सिम्टम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, साइंटिफिक नेम इसका चेंज है। इसका हो सा इसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रिप्स टेबेसाई, है ना, CCI है। ठीक है, अब इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी सेम ही होती है, थ्रिपिडी, ऑर्डर भी सेम है, कौन सा, थाइसेनोप्टेरा। थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर होता है, डैमेज भी लगभग सिमिलर होता है। अब इसके क्या है, ये टोमेटो की फसल में भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम होस्ट प्लांट की बात करें, होस्ट प्लांट्स की बात करें तो ओनियन एंड गार्लिक तो हो ही गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, या हम बात करें जो टोमेटो की क्रॉप होती है वो हो गई। इसके अलावा भी क्या है, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो आपकी क्रूसीफेरिस वेजिटेबल्स जो है, यानी कि फूल गोभी पत्ता गोभी वगैरह, उनके अंदर भी ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसकी, ये तो हो गया इसके होस्ट प्लांट की बात। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें, नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ नेचर ऑफ डैमेज जो है वो सेम है, चिली थ्रिप्स का जैसे डैमेज होता है वैसे ही होता है। यानी कि ये भी क्या करेगी, जो लीफ लीफ जो होती है ना, लीफ जो होती है उसके अंदर ये क्या करेगी, ये भी स्क्रैपिंग करके, यानी कि उसको उसके ऊपर क्या है चकते से दिखाई देंगे आपको वाइट कलर के। प्लस क्या है मैंडिबल्स, इसके भी राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, सिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स होते हैं, तो ये क्या है, इस ये लीफ जो है वो क्या हो जाती है, डी शेप्ड हो जाती है, शेप इसकी बिगड़ जाती है, और लोअर साइड में क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाएगी। लगभग सारी चीज़ें सेम है, लोअर साइड में इसकी कर्लिंग हो जाएगी। डिफरेंट अगर बात करें हम डिफरेंस की, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि ये क्या करता है, टोमेटो के अंदर एक डिजीज़ होता है वायरल, यानी कि वायरस फैलाने वाला एक
एक वायरस होता है जो डिजीज स्प्रेड करता है, उसको बोलते हैं विल्ट, है ना, स्पॉटेड विल्ट। स्पॉटेड विल्ट वायरस होता है, ये वायरस का नाम है, जो कि क्या करता है, कर्लिंग करता है। जैसे लीफ उसमें था ना, लीफ कर्लिंग मिर्च के अंदर, वैसे इसके अंदर क्या है, ये भी लीफ कर्लिंग करता है, स्पॉटेड विल्ट वायरस होता है। तो इसको फैलाने के लिए ये क्या करता है, एज ए वेक्टर काम करता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इसका नाम दे के कि थ्रिप्स टैबिसाई जो है वो इनमें से कौन सा जो वायरस डिजीज है उसको स्प्रेड करता है या वेक्टर काम करता है। तो आपको स्पॉटेड विल्ट भी ऑप्शन में मिल सकता है, और चिली का जो लीफ कर्ल है वायरस, लीफ कर्ल वायरस, वो भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे ही चिली के अंदर पूछा जा सकता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी इसका जो टोटल अगर हम बात करें डैमेज का, जो सिम्टम्स वगैरह है, वो लगभग सारे जो है वो सेम है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये इसको स्क्रैपिंग करते हुए फीड करेंगे तो इसके लीफ के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, वाइट स्पॉट, या बाद में ये लीफ क्या होती है, धीरे धीरे येलो कलर की हो जाती है ना, बाद में क्या है, ये येलो होने लग जाती है। तो इसको वाइट स्पॉट या फिर येलो येलो स्पॉट, ये डिजीज़ भी बोल देते हैं इसको, वाइट स्पॉट, येलो स्पॉट, ये सारे नाम भी इसको क्या है, दिए गए हैं। तो अब हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। लाइफ साइकिल की बात करें, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। सबसे पहले एग स्टेज, स्टेज वही चार है, एगलिंग इसकी भी सेम होती है, ठीक है, एगलिंग इसकी भी सेम होती है, जैसे उसके अंदर हमने जो पढ़ा था चिली के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब एग्स की अगर इसके बात करें तो एगलिंग जो होती है इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस कम होती है, यानी कि एगलिंग जो होती है वो इसके अंदर एगलिंग जो होती है वो पार्थेनोजेनेसिस से नहीं होके नॉर्मल जो सभी इंसेक्ट्स के अंदर होती है वैसी होती है। और एग्स कहाँ दिए जाते हैं, इसके भी एग्स जो हैं वो लीफ सेल्स जो होती है उनके अंदर ही दिए जाते हैं, ठीक है, लीफ सेल्स जो होती है उनके अंदर ही एग्स दिए जाते हैं। और एग्स जो है वो सिंगली, यानी कि एक एक करके दिए जाते हैं, एक एक करके जो है वो एग्स दिए जाते हैं। और एग्स कलर का अगर बात करें तो एग्स का कलर जो होता है वो पिंक या डार्क ब्राउन जो होता है वो कलर होता है, ठीक है, पिंक या डार्क ब्राउन कलर होता है। और एक जो फीमेल होती है वो 31 टू लेके 108, यानी कि 108 तक एग्स जो है वो, पर उसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो ये देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें निम्फ की, सेकंड जो स्टेज है निम्फ, ठीक है, एग्स है, एग के बाद एग्स की जैसे ही हैचिंग होगी उसके बाद निम्फ बाहर निकल के आते हैं, और इनका निम्फ का जो कलर होता है वो होता है येलो, येलो ब्राउन, उसमें भी सेम होता है कलर, शायद मैंने आपको बताया नहीं, उसमें भी क्या है, ब्राउन या येलो कलर ही होता है जो निम्फ होते हैं उनका, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सेम है, ये क्या करेंगे, निम्फ जो है ये पत्तियों का, यानी कि जो लीव्स होती है उनका, या स्टेम हो गया, यानी कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब से क्या है, सेप सक करेंगे, यानी कि रस जो है वो चूसते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जूसी कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, लीफ की लोअर कर्लिंग होने लग जाएगी, ठीक है, बाकी सारे सिम्टम जो है वो लगभग सेम है, ठीक है। अगर इसके बात करें टाइम पीरियड की तो लगभग 5 से 10 दिन का जो है इसका लाइफ साइकिल होता है निम्फ का, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये बाद में किस में बदल जाता है, प्यूपा में, प्यूपा मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज होती है, यानी कि इतनी एक्टिव नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको टच करके देखते हैं तो हल्की सी उसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। इस कंडीशन में क्या होती है, जो विंग्स जो होती है, यानी कि विंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जो विंग्स है वो दिखाई देने लग जाती है। और इसमें विंग्स की एक खास बात क्या है, एडल्ट के अंदर, यानी कि चलो वो एडल्ट के अंदर बात करेंगे, तो इसमें विंग्स की जो कलिकाएं हैं यानी कि लीफ जो है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वो आसानी से इसके अंदर क्या है, दिखता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर और अगर हम बात करें ये स्टेज होती कहाँ है, तो या तो ये क्या है, जो
लीफ वगैरह जड़ी हुई होती है, यानी कि जो लीफ है ये शेड होने के बाद, झड़ने के बाद उनके अंदर या फिर आसपास में जो भी क्या है वेस्ट मटेरियल जो पड़ा हुआ है, यानी कि कूड़ा कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या होती है इसकी ये स्टेज होती है, यानी कि प्यूपा उसमें बनता है। ठीक है, अभी प्यूपा के बाद क्या होगा, जो एडल्ट स्टेज है एडल्ट बनेगा। एडल्ट जो है ये प्यूपा की जो आउटर स्किन होती है या बाहरी कवर जो होती है उसको तोड़ के एडल्ट बाहर आता है। एडल्ट में क्या होती है, विंग्स होती है, वेल डेवलप्ड विंग्स होती है। विंग्स कैसी होती है, मेम्ब्रेनस विंग्स होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट विंग्स होती है। और अगर इनकी मार्जिन की बात करें, विंग्स की जो मार्जिन्स होती है वो बहुत ही कम डेवलपमेंट होती है ना, लेस डेवलप्ड होती है, या तो होती नहीं है मार्जिन, ठीक है, या फिर बहुत ही जो है कम डेवलपमेंट होता है उनका। ठीक है, यानी कि विंग्स जो होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कलर इनका भी क्या होता है, येलो ही होता है। ठीक है, येलो ही होता है कलर इनमें भी। साइज़ की बात करें तो लगभग 6 mm के आसपास इसका, जब फुली डेवलप हो जाती है उस समय इसका साइज होता है लगभग, सॉरी सिक्स नहीं, साइज इसका छोटा होता है लगभग 1 mm के आसपास। 1 mm के आसपास इसका साइज होता है, पहले 0.5 mm के आसपास होता है, फिर धीरे धीरे साइज बढ़ता है इसका, तो 1 और 2 mm बस इतना सा इसका साइज होता है। और डैमेज बाकी मैंने आपको बता ही दिया, सब चीज़ें क्या होती है सेम होती है। और अगर बात करें इसके जो लेग्स जो होती हैं है ना, उनमें क्या है आगे क्लोज पाई जाती है, यानी कि क्या है इस प्रकार के नाखून लाइक क्या है स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जैसे नाखून सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। बाकी ये सब इसके क्या है, इसको पहचानने के लक्षण हैं, यानी कि हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें इसके बाद इसके लाइफ साइकिल की है ना, यानी कि स्टेज कौन सी स्टेज कितने दिन की होती है, बाकी दोनों ही जो ये हैं लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेन तो यही है कि कौन से वाला जो है वो कौन सी डिजीज़ फैलाता है और कौन सी नहीं, एग निम्फ प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, चारों स्टेज होती है। इसके अंदर भी क्या होगा, कंप्लीट जो है मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर, इसके अंदर भी 4 स्टेज आपको दिख रही है। टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका 14 to 24 days का, 14 से 24 दिन का होती है। 1 साल के अंदर इसकी लगभग 8 से 10 जो है वो जनरेशन्स पाई जाती है। उसके अंदर तो बहुत सारी ओवरलैपिंग जनरेशन होती है, इसके अंदर क्या होती है सिर्फ 8 से 10 जनरेशन होती है। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये होती है लगभग 3 to 5 days की, यानी कि 3 से 5 दिन बाद जो है वो क्या है एग से निम्फ में बदल जाते हैं। फिर निम्फ में 5 से 10 दिन बाद निम्फ से ये क्या है प्यूपा में बदलते हैं, और प्यूपा से फिर 4 से 7 दिन बाद ये एडल्ट में बदलते हैं, और एडल्ट से फिर 1 से 2 दिन बाद में क्या है ये वापस से एग लेइंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है इसका, ऐसे ही चलता रहता है। अगर हम बात करें इसके जो ये टाइम का डिफरेंस है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यानी कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें लगभग 14 दिन के अंदर लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, अगर विंटर सीजन है तो उसमें लगभग समय जो है वो बढ़ जाता है ज़्यादा, और 24 दिन तक भी लग सकते हैं। अब इसके बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके अंदर भी क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटी वगैरह यूज़ लेंगे, या फिर क्या है ये ध्यान रखते हैं कि इसको जैसे ऑनियन की अगर फसल ले रहे हैं तो उस समय उसके आसपास गार्लिक नहीं हो, गार्लिक आप लगा रहे हो तो ऑनियन नहीं हो, क्योंकि ये क्या है आपस में, या टोमेटो की क्रॉप नहीं हो क्योंकि ये क्या है इन सब में नुकसान पहुँचाता है। तो हो सकता है एक क्रॉप में नहीं हो लेकिन पास वाली में हो, तो उससे क्या है इसके अंदर भी वो जो है डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स के स्प्रे, बाकी वो सारी चीज़ें सेम हैं वो जो मैंने आपको पहले बताया कि एक तो क्रॉप का ध्यान रखते हैं रोटेशन का, या फिर जो है मिक्सअप नहीं करते हैं क्रॉप को, या किसी क्रॉप के अंदर पहले से डिजीज है तो उसके आसपास इसको नहीं लगाते हैं, या रेजिस्टेंट वैरायटी वगैरह लगाते हैं। अगर हम बात करें इसके जो केमिकल्स की है, बाकी वही हैं
या फिर आप मेलाथियान जो है, मेलाथियान डस्ट को हम काम में लेते हैं, ठीक है। मेलाथियान डस्ट डस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करेंगे, एमल्सीफाइड कंसंट्रेशन यानी कि लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेलाथियान 50 EC, इसकी लगभग 625 ml मात्रा जो है वो काम में ली जाती है। मेलाथियान हो गया, इसके अलावा एक डाइक्लोरोवस होता है, डाइक्लोरोवस, ठीक है, इसको भी हम यूज लेते हैं। इसकी 76 EC जो मात्रा है वो, सॉरी, कंसंट्रेशन जो है वो काम में लेते हैं, और लगभग 200 ml मात्रा जो है वो हम काम में लेते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बाकी दोनों, ये कंप्लीट हो गया आपका थ्रिप्स, बाकी इतना कुछ खास नहीं है दोनों के अंदर। मेन चीज़ें क्या, आपको इसका साइंटिफिक नेम फैमिली ऑर्डर पता होना चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्रिप्स जो है वो कौन सा डैमेज करती है, या फिर कौन सा जो वायरल डिजीज़ है उसका एज ए वेक्टर काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, बाकी इसके अंदर इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपके वेजिटेबल्स के कुछ पेस्ट बाकी हैं, उनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ एक फ्रूट क्रॉप्स बाकी है, और एक दो जो है वो आपके फील्ड क्रॉप्स भी है वो बची हुई है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको भी देख लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।